तो आज हम देखेंगे चंगेज़ ऑफिशियल हिंदी टीज़र। सो एक बंगाली मूवी है जिस जो हिंदी में भी रिलीज़ हो रही है। फाइनली इसको डिसाइड किया गया कि हिंदी भी, तो देख लेते यार चंगेज़ में। इसमें सुपरस्टार जीत है जो बंगाली इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार कहे जाते हैं, और देखते हैं उनका मूवी का ये टीज़र कैसा है। और जो अनजान अपरिचित अभेद को जय करता है, जिसकी ना कोई यादें हैं ना कोई सीमाएं, वो है चंगेज। पुरानी वाली जो बराबर होती है वाली करनी होती है। चंगेज का आज कल नहीं होता, चंगेज का युग होता है युग एरा। एरा काफी ब्रूटल है। ओहो भाई, ओ ये सही था यार एनिमेशन। राजेश स्टोरी नीरज पांडे की है, बाकी डायरेक्ट राजेश ने किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है मूवी देखने में मुझे तो। लग रही है और हिंदी में चल सकती है मूवी मुझे भी। बट दिक्कत ये है कि इस मूवी के साथ जो कंपटीशन है ना वो किसी का भाई किसी की जान है हिंदी में। अच्छा ईद पे आ रही है। ईद पे आ रही है ये तो यार मुझे नहीं लगता कि ये हिंदी में तो चल पाएगी, थोड़ा डाउट है कहीं ना कहीं। बट पिच मूवी के लोग ऐसे भी रहते हैं जो भाई थोड़ा ऐसी मूवी भी देखना चाहते हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़े तो वो देख सकते हैं। हाँ ये हो सकता है क्योंकि वो एक्चुअली ऑलमोस्ट वो जो किसी का भाई किसी की जाने हो तो सबको पता है कि मास मूवी है और उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। या फिर स्टोरी में स्टोरी तो पहले से ही सबको पता कि स्टोरी क्या साउथ की रीमेक है, साउथ की रीमेक है। तो बाकी ये मूवी चल भी सकती है अगर 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 मूवी में दम लग रहा है। और दम मूवी में, मूवी का जो टीज़र देखा इतनी सी 50 सेकंड का टीज़र था उसमें इतना कुछ हो गया। और हाँ 50 सेकंड के टीज़र में था इतना सारा कुछ, वो फाइट, वो एक्शन सीन, वो डायलॉग्स, सब कुछ। स्टोरी और लेवल कितना बड़ा है मूवी का सीन वगैरह। लार्जर देन लाइफ मूवी होने वाली है और ऐसी मूवीज थिएटर में देखना आजकल की ऑडियंस पसंद करती है। जिस तरह के सिनेमेटोग्राफी है ना इस मूवी के अंदर, वो लग रहा है कि हाँ इसको थिएटर में देखना चाहिए इस मूवी को। तो मज़ा आया दोस्त, हमें तो मज़ा आया। अभी देखते हैं कि क्या होता है। अगर ये चल गई तो ये पहली बंगाली मूवी होगी जो हिंदी में मस्त बिजनेस करेगी। आई थिंक रिलीज ही पहली हो रही है बंगाली मूवीज कोई, मैंने तो सुना नहीं किसी बंगाली मूवी के बारे में जो हिंदी में रिलीज हुई। मैंने भी नहीं सुना। साथ में ही थिएट्रिकल रिलीज, मतलब मैंने भी नहीं सुना। मैंने तो नहीं सुना है ना, नहीं है ना, तो ये पहली मूवी हो सकती है ना। और कमेंट करके बताना, जो कि काफ़ी बड़े स्टार है ऑलरेडी बंगाली हो रही है पैन इंडिया लेवल पे। पैन इंडिया पे हो रही है ना। हाँ पैन इंडिया पे हो रही है ना, तो पैन इंडिया भी हो रही है। पैन इंडिया नहीं, दो ही लैंग्वेज में हो रही है, बंगाली और बंगाली, हिंदी और बंगाली। जैसे हिंदी का मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मार्केट है हिंदी का। अगर चल गई मूवी तो भाई मज़ा आ जाएंगे, और स्टोरी अच्छी हुई ना तो अपन भी देख सकते हैं अपने, अगर रिलीज़ हो गई तो देखते हैं। अगर हमारे रिलीज़ हुई तो ईद के बाद, अगर कहीं हम पहले किसी का भाई किसी की जान फिर ये भी देख लेंगे। आप लोग बताइए कमेंट करके क्या लगता है आपको, क्या हिंदी में चल पाएगी इतनी मूवी या नहीं चल पाएगी, और क्या इतनी स्क्रीन्स मिल पाएगी उस मूवी को, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान बहुत सारी स्क्रीन लेने वाला है। तो एक वो टेंशन भी है कि स्क्रीन कितनी मिलेगी। हाँ तो आप लोग बताइए कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये भी ज़रूर बताना कि क्या हो सकता है इस मूवी का। बिल्कुल, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।